आज 15 अगस्त भारत को अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्र हुए और 76 साल पूरे हो गए। 76वीं वर्षगांठ, 77वां स्वतंत्रता दिवस। श्री कबीर संस्थान नवापारा राजिम की ओर से आप सबको इस पावन अवसर पर अनेकानेक शुभकामनाएं कि आप हर प्रकार से स्वतंत्र होकर जीवन जिए और राष्ट्र उन्नति में अपना योगदान दें। स्वतंत्र, स्वतंत्र का अर्थ क्या होता है? 15 अगस्त को हमें 15 अगस्त 1947 को राजनैतिक स्वतंत्रता मिली थी, वो भी बहुत जरूरी थी। लेकिन हमें समझना होगा कि वास्तविक स्वतंत्रता क्या है। कल मैंने 3 बातें कही थी, स्वस्थ, स्वतंत्र और स्वस्थ। क्या हम आप स्वस्थ हैं? क्या हम स्वतंत्र हैं और क्या स्वस्थ हैं? स्वस्थ होना क्या है? अपने वश में रहना, कहा गया है सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम। परवस्ता सब प्रकार का दुख है और आत्मस्वस्ता सब प्रकार का सुख है। तो स्वस्थता और व्यवस्था क्या है ये समझना होगा। स्वतंत्रता और परतंत्रता क्या है समझना होगा। प्रायः हम कहते हैं हम किसी के अधीन होकर नहीं रह सकते, अच्छी बात, रहना भी नहीं चाहिए। लेकिन किसी के अधीन न रहने का अर्थ क्या है ये समझना होगा। और क्या किसी के अधीन होकर रहना गुलामी है? समझने की आवश्यकता है। पहली बात है स्वस्थता और परवस्ता। बाहरी स्वस्थता और भीतरी स्वस्थता, बाहर से स्वस्थ होना अलग बात है, भीतर से स्वस्थ होना अलग बात है। अपने वश में होना अर्थ है जब हमारा मन
संसारिक भोग ऐश्वर्यों के प्रति ललचाता ना हो, आकर्षित ना होता हो। उनकी कामनाओं से रहित हो तो समझ लेना कि मैं स्वस्थ जीवन जी रहा हूं। और बाहर के ऐश्वर्यों को देखकर मन ललचा रहा हो तो समझ लेना कि मैं परवस्ता का जीवन जी रहा हूं। किसी चीज की याद करके, किसी व्यक्ति की याद करके, पूर्व के देखे सुने हुए भोगों की याद करके मन उद्विग्न हो रहा है, परेशान हो रहा है तो समझ लेना कि मैं स्वस्थ नहीं परवस्ता का जीवन जी रहा हूं। बंधा हुआ है मन आपका उस भोग के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति, उस वस्तु के प्रति, उस परिस्थिति के प्रति, कहां स्वस्थ है? चीजें आई और गई, व्यक्ति मिले और पिछड़े, अनेक चीजों को खाए पिए देखे, सब खत्म, और अभी भी उनको याद कर करके दुखी सुखी हो रहे हो तो स्वस्थ कहां हो? उन्होंने मुझे ऐसा कहा था, भरी सभा में मेरा अपमान किया था, सबके बीच में मुझे गाली दी थी, याद कर करके दुखी हो रहे हो, स्वस्थ कहां हो? बंधे हुए हो, वर्तमान में नहीं जी रहे हो, भूत में जी रहे हो, बंधन में पड़ करके, परवस्त हो करके। अहंकार स्वस्थता का है और जीवन परवस्ता का। स्वस्थ होने का अर्थ किसी भी प्राणी पदार्थ की आसक्ति में मन का न पड़ा होना है। और हर आदमी विवश है अपने मन और इंद्रियों के अधीन। श्री विशाल साहब ने कहा है, विवश मरण से अधिक लख सवस हेतु परियत्न, निस्दिन तत्पर याही में और तजी सव यत्न। विवस्ता को मृत्यु से भी अधिक दुखदायी समझो और स्वस्थता के लिए प्रयत्न करो। ये चीज नहीं मिली, वो चीज नहीं मिली, ये कमी है, वो कमी है, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, बराबर सोच रहे हो, कहां स्वस्थ हो भाई? जिस चीज के लिए आपका मन खींच रहा है, आकर्षित हो रहा है, जिसके लिए लग रहा है, किसके बिना जीना बड़ा मुश्किल है, करोड़ों करोड़ों लोग उसके बिना बड़े आराम की जिंदगी जी रहे हैं, उस चीज के बिना उनके जीवन में कोई घाटा नहीं है, कोई दुख परेशानी नहीं है, और आप रो रहे हो उसके लिए। यही तो व्यवस्था है, यही तो परवस्ता है। जब आप मान लेते हो
अमुक चीज बड़ी सुंदर है, बड़ी सुखदाई है, बहुत मूल्यवान है, उसके बिना जीवन बेकार। तब चीज बड़ी हो जाती है और आप छोटे हो जाते हो। चीज आपका मालिक बन जाती है और आप उस चीज का गुलाम बन जाते हो, और गुलाम सुख का जीवन नहीं जी सकता। गुलाम को कहां सुख होना है? सुखी तो मालिक होकर रह सकता है। सुखी जीवन जीना है तो मालिक बनना होगा। बड़ी से बड़ी वस्तु से बड़े आदमी से, किसी से भी मन को ऊपर उठा करके रखो। चीज मिल जाए प्रयोग कर लो, कीमती से कीमती चीज छूट जाए कोई चिंता नहीं, कोई दुख नहीं। मूल्य आपका है, मूल्य चीजों का नहीं है। चीज तो बिगड़ गई, मन को क्यों बिगाड़ रहे हो? बिगड़ी हुई चीज बन जाती है, लेकिन बिगड़ा हुआ मन बनाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, और मन को थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए बिगाड़ रहे हो। यही तो व्यवस्था है, लेकिन ये व्यवस्था समझ में नहीं आती है। किसी भी बात को लेकर, किसी भी चीज को लेकर मन को बिगाड़ना नहीं है। व्यवस्था है संसार की तरफ मन का खींचते रहना। चीजें छूट जाती है लेकिन मन खींचता रहता है। कुछ भी हो सकता है, एक साधु थे महात्मा, घर द्वार छोड़ दी। साधु का मतलब ही होता है कि जो घर द्वार परिवार छोड़ करके अलग रहता है किसी मठ में या जंगल में। तो जंगल किनारे कुटी बना करके रहते थे, कुटी चलो कोई बात नहीं है, ठंडी गर्मी से बचने के लिए, रात्रि विश्राम के लिए जरूरी है। लेकिन उस कुटिया को उन्होंने खूब बढ़िया सजाया था, कहाँ कहाँ से क्या क्या चीजें ला कर लोगों से मांग मांग करके, क्योंकि मन है ना, अमुक चीज सुंदर है, अमुक चीज सुंदर है, अमुक चीज सुंदर से ऐसा मानकर ललचाते रहता है। तो लोगों से मांग जांच करके कहाँ खरीद करके अपनी कुटिया को खूब सजा करके रखा था। अब कोई घूमते फिरते कोई साधु महात्मा आ जाए तो उसके सामने अपनी कुटिया की प्रशंसा करते रहते हैं, देखिए महाराज मेरी कुटिया कितनी सुंदर है, कितनी सजी हुई कुटिया है। ज्ञान बैराग की बात तो कम करते थे, कुटिया की प्रशंसा बहुत करते थे। महात्मा लोग क्या कह सुनो चल रहे थे। एक बार एक संत आए, उनका भी स्वागत सत्कार किए, फिर उनसे कहने देखिए महाराज मेरी कुटिया कितनी सुंदर बनी हुई, कितनी सजी हुई है। प्रशंसा करने लगे तो महात्मा ने कहा साधु बैरागी बन गए। उस संत ने कहा साधु बैरागी बन गए हो, कुटिया में मोह कर लिए, कुटिया सजाने में जितनी मेहनत किए हो उतनी मेहनत साधना में करते तो कल्याण हो जाता। घर द्वार तो छोड़ दिए, कुटी बनाकर कुटी में मोह कर लिए हो, उसी के प्रशंसा में डूबे हुए हैं रात दिन। अब सोच रहे हो कि ये ना बिगड़ जाए, यहाँ ना हो जाए, उधर न हो जाए, सुंदरता खराब ना हो जाए। भजन करना चाहिए तो चिंतन कुटिया का कर रहे हो। थोड़ा सा महात्मा ने डांटा समझाया तो उन्हें बुरा लगा। महाराज जी आप समझते हो कि मैं रागी मोही हूं, मुझे कुटिया से मोह, कुटिया से मोह नहीं है। देखिए
अभी आग लगा देता हूँ कुटिया में, कुटिया में आग लगा दिया। वो संत तो चले गए, उसके पीछे पीछे चले गए। महात्मा जी आप कहते थे ना कि मैं बहुत रागी रागी मोही हूँ, देखो कुटिया में आग लगाना, लेकिन मानना पड़ेगा कुटिया अच्छी बनी हुई थी, फंसा है ना, आग लगा दिए तो भी कह रहे हैं कुटिया अच्छी बनी हुई थी। यही विवस्था है। चीज आ गई, प्रयोग चली गई, मस्त याद भी ना करो। तो मैं कह रहा था संसार की तरफ मन का खींचते रहना, देखे हुए सुने भोगी वस्तुओं की याद में डूबे रहना, यही विवस्था है। इससे मुक्त हो ना होगा, जो बीत गया सब मुर्दा हो गया है। अपनी कीमत समझिए, अपना मूल्य समझिए। जब आप खुद ही अपना मूल्य समझ नहीं पा रहे हो तो दूसरा आपको मूल्य क्या समझेगा? भोगों के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, चीजों के लिए जिस व्यक्ति ने अपना मूल्य खुद ही गिरा दिया, वह व्यक्ति को आत्म प्रतिष्ठा कैसे मिलेगी? इसलिए स्वस्थ होकर के जिए, विवेक विचार का चिंतन करते रहें। स्वस्थता यही है, आत्मचिंतन में मन का लगे रहना, अपने आप में मस्त काम करना होगा। जो चीजें वर्तमान में हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था भी करनी होगी, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था करते हुए भी चीज बिगड़ गई तो याद छोड़ दो उसको। जो आप कर सकते थे, सुरक्षा कर सकते थे, व्यवस्था कर सकते थे, संभाल सकते थे, उतना आपने किया शक्ति चले तक, फिर भी बिगड़ना था बिगड़ गई, काम बिगड़ गया, चीजें बिगड़ गई, कुछ भी बिगड़ गई। जानबूझ तो आपने नहीं बिगाड़ा ना, तो चिंतित क्यों होते हो? निश्चिंत रहो, एक चीज बिगड़ गई तो जीवन के लिए आगे कोई ना कोई चीज मिल तो जाएगी। तो वर्तमान में जहां जैसा आवश्यक है वैसा काम करते रहो, जिन चीजों को संभाल कर रख सकते हो संभाल करके रखो, लेकिन जो भी छूट जाए कुछ भी कह लो, उनके लिए रोते ना रहो, उनकी याद भी भुला दो। याद करनी ही है सिर्फ प्रेरणा के लिए। जब इतनी इतनी मेरी चीजें छूट गई तो आज की चीजें भी छूट जाएगी, इनके लिए भी क्या मोह करना, इनके लिए भी क्या लोभ करना, बस रक्षा व्यवस्था कर लेता हूं निर्वाह के लिए। ये भाव में मन का डूबे रहना, ये स्वस्थ होना है, इसी के लिए प्रयत्न करना है। दूसरी बात है स्वतंत्रता और परतंत्रता। स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्र स्वखुद, तंत्र शासन, अपने पर अपना शासन, क्या ऐसा है? राजनीतिक स्वतंत्रता की बात नहीं है, वो तो बहुत जरूरी थी और मिल चुकी है। मानसिक स्वतंत्रता, मानसिक गुलामी में हम लोग जी रहे हैं, बौद्धिक गुलामी भी है। बुद्धि का अहंकार तो है आदमी को, लेकिन बौद्धिक गुलाम बन करके जी रहा है आदमी। अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करना है, विवेक का प्रयोग नहीं करना है, किंतु जितने जैसा कहा मान लिए। कह दिया गया
शिवजी पर बेलपत्र चढ़ा दो, एक लोटा पानी, बद दौड़ पड़े, बौद्धिक गुलाम बन गए। तमाम पता नहीं कैसे कैसे बौद्धिक गुलामी है आप में पड़ा। कितनी कितनी परंपराओं को ढो रहे हो, जो पुरानी हो चुकी है, विवेक विरुद्ध है, हानिकारी है, फिर भी ढो रहे हो। यह बौद्धिक गुलामी है आपकी। अमुक ने कहा है माल लेना है, अमुक ने कहा है माल लेना है, अमुक ग्रंथ में लिखा है माल लेना है, हमारे बाप दादा करते आ रहे हैं माल लेना है, यह बौद्धिक गुलामी है। बुद्धि का प्रयोग करो। परंपरा की हर बात गलत नहीं होती, शास्त्रों की भी हर बात गलत नहीं है, महापुरुषों की भी हर बात गलत नहीं है। विवेक तो करो कि क्या सही है क्या गलत है। स्वतंत्र चिंतन, वो भी निष्पक्षता पूर्वक, न हमारे गुरु की बात न दूसरे के गुरु की बात, न हमारे मत पंथ की बात न दूसरे मत पंथ की बात, निष्पक्ष होकर के चिंतन जब करेंगे और निष्पक्ष होकर जब निर्णय करेंगे और जब हमारा विवेक गवाही दे, बुद्धि भटका सकती है और भटकाती ही है बुद्धि, विवेक नहीं भटकाएगा। बुद्धि गलत निर्णय देगी, देती भी है, लेकिन विवेक गलत निर्णय नहीं देगा। विवेक जब अलाउ करे तब उसको मानो, चाहे हजारों लोग विरोध में हों, लेकिन हमारा विवेक कह रहा है नहीं ये सही है, तो हजारों के विरोध की भी परवाह ना करें, विवेक की परवाह करे, तब बौद्धिक गुलामी से छुटकारा मिलेगा। लोगों को खुश करने के लिए काम नहीं करना है, लोगों को खुश करने के लिए बात नहीं कहनी है, न्याय की बात, निर्णय की बात, ज्ञान की बातें मानना है और कहना है बस, तब बौद्धिक गुलामी से छुटकारा मिलेगा। मानसिक गुलामी, जो कहा मैंने मन का खींचते रहना, अपने पर अपना शासन, अभी तो हमारे पर मन का शासन चल रहा है ना। नष्ट का राज है नफर का बढ़ते तेज, नष्ट का राज, सारा संसार नाशवान है, लेकिन नफर नौकर का तेज बरत रहा है। नौकर यहाँ पर है हमारा मन। जैसे कोई एक सेठ हो, सेठ के पास एक मुनिम आया, मुनिम बड़ा बुद्धिमान, बड़ा तेज तर्रार, हर काम को बढ़िया ढंग से करने वाला, उसके काम को देख करके सेठ खुश होते गए और धीरे 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 करते करते सेठ अपने मुनीम को काम सौंपता गया, सौंपता गया, सौंपता गया, और अपना थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारी छोड़ते गए। फिर एक समय वह आया जब सारा कारोबार मुनीम के हाथों में चला गया, क्या लेना है, क्या देना है, कैसी क्या चीज है, सेठ को कुछ मालूम नहीं है। अब मुनीम जो कहे तो सेठ को मानना पड़ेगा। कोई आदमी अपने सब कुछ अपने नौकर के भरोसे छोड़ दे, क्या चीज कहाँ रखी हुई है, मालिक को मालूम ना हो, नौकर को मालूम हो, तो नौकर जो कहेगा मानना पड़ेगा। परिणाम क्या होगा, मुनीम मालिक बन जाए, सेठ बन जाएगा, और सेठ नौकर जैसा बन जाएगा मालिक होते हुए भी। यही बात है, मालिक आप हैं,
नौकर आपका मन है, लेकिन आज क्या हो रहा है, जैसा हमारा मन कहता हम वैसा करते हैं, जानते ही गलत है लेकिन मन कह रहा नहीं कर लेना है। इंद्रियां जैसा भोग चाहती हैं हम दे देते हैं। हमारे ऊपर तो इंद्रियों का शासन चल रहा है ना, तंत्र तंत्र इंद्रियों का है, तंत्र मन का है। स्व का तंत्र कहाँ है, अपना तंत्र कहाँ है? अपना तंत्र, अपने मन को अपने आदेश में चलाइए, अपनी इंद्रियों को अपने आदेश से चलाइए। आंखें सुंदर सुंदर रूप देखना चाहती है, बस देखते रह गए, आंख का गुलाम बन गए। मालिक आपकी आंखें हैं कि आप हैं? सामने खाने खाने के लिए बैठे, सामने सुंदर सुंदर व्यंजन आ गए, जान रहे हैं डॉक्टर ने मना किया है, लेकिन थोड़ा चला थोड़ा सा खा लेते हैं, गुलाम बन गए ना मन के, जिह्वा स्वाद के। मालिक कहाँ है? कितनी बढ़िया से बढ़िया चीज हो उतना ही खाओ, जितने के लिए जितने की आवश्यकता आपको है। एक और भी अधिक मत खाओ, तब आप अपना मालिक बन जाओगे, आपका शासन चलेगा, जीव का शासन नहीं चल रहा है। फिर कई बार ऐसा होता है, कहीं गए, अब जहां गए हैं जो मेजबान है, जिनके घर गए हैं आप, वो मेजबान है, आप मेहमान हो, तो खाने का समय हुआ, जिनके आप गए हैं, घर मालिक ने कहा चलिए खाने का समय, भोजन समय, चलो भोजन कर लें, आप कहते क्या हैं? घर से तो खाकर आए हैं, पेट भरा हुआ है, लेकिन आप कहते हो चलो खा लेते हो। अरे भाई तो पेट भरा तो क्यों खाओगे, फिर गुलाम बन गए। कहते भैया मैं खाकर आया हूं, पेट भरा हुआ है, फिर समय कभी ऐसा होगा तो आप आके हम भोजन कर लेंगे। एक उदाहरण दे रहा हूं, कहते हैं पेट तो भरा हुआ है, खाकर आया हूं, लेकिन आपके कहने से थोड़ा और खा लेता हूं। जहर खाओगे आप? कहाँ खुद का शासन है आप पर? ये उदाहरण ऐसे हर चीज पर समझ लो। जब विवेक का शासन हो, बुद्धि का शासन हो, आत्मा का शासन हो अपने ऊपर, हम जैसा जो चाहे वो सोचें, वो कब होगा? जब आप गलत ना सोचते हो, विषय वासना की बात ना सोचते हो, पराय नर नारी की बात ना सोचते हो, ईर्ष्या द्वेष की बात ना सोचते हो, राग रंग की बातें ना सोचते हो, ज्ञान की विवेक की विचार की बातें सोच रहे हो, दया क्षमा प्रेम की बातें सोच रहे हो, तो समझ लेना मेरे पर मेरा शासन चल रहा है। जब ज्ञान विवेक विचार की बातें सोचोगे, दया क्षमा प्रेम की बात सोचोगे, तो व्यवहार बढ़िया बनेगा और मन में कोई चिंता, कोई तनाव, कोई भय नहीं रहेगा। खुद का शासन जब चलेगा, स्वतंत्र स्व का तंत्र चलेगा, तो दुख कहाँ? दुख तो परतंत्रता में है ना। स्वतंत्रता में कोई दुख नहीं है, और मन में कोई दुख है तो समझ लेना आप परतंत्र हैं। बाहरी ढंग से भी लोगे तब किसी नियम का पालन करना, मर्यादा का, कानून का पालन करना, नियम का पालन करना, ये परतंत्रता नहीं है। पिता की आज्ञा मानना, गुरुजनों की आज्ञा मानना, बड़े बूढ़े जनों का आज्ञा मानना, ये परतंत्रता नहीं है। और हम मान लेते हैं ये तो परतंत्र हो जाना है, ये परतंत्रता नहीं है। अपने से जो बड़े हैं
उम्र में बड़े हैं, मर्यादा में बड़े हैं, पद में बड़े हैं, बुद्धि में बड़े हैं, त्याग तप साधना में बड़े हैं, उनके कहने में चलना परतंत्रता नहीं है, हमारी भलाई ही उसमें, हमारा उत्थान है उसमें। यदि हम अपने से बड़ों का कहना ना मानने, जो माता पिता है, गुरुजन है, अनुभवी हैं, ज्ञानी विद्वान विवेकी त्यागी हैं, उनका कहना ना माने, तो हमारे लिए कल्याण का रास्ता ही क्या है? और फिर हम सही रास्ते में चल कैसे सकते हैं? एक छोटा बच्चा है, अपने पिता के साथ जा रहा है, तो जब पिता जिस तेजी से चलेगा, छोटा बच्चा तो तेजी से नहीं से चल नहीं पाएगा ना, बच्चा धीरे से चलेगा, पिता जवान है तेज चलेगा, तो दोनों पिछड़ जाए तो दोनों बिछुड़ जाएंगे। अब छोटा बच्चा पिता से बिछुड़ करके वो तो भटक जाएगा, तो इसलिए यदि पिता उस बच्चे का हाथ पकड़ ले ताकि न बिछुड़े, अब बच्चा समझे तो मैं परतंत्र हो गया, पिता ने मेरी पिता ने मेरा हाथ पकड़ लिया, मैं तो परतंत्र हो गया, नहीं मुझे अपना हाथ नहीं पकड़ाना है, तो घाटा किसका होगा, पिता का या बच्चे का? ऐसे ही गुरुजन हमें जो बताते हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता आदि जी हैं, वो बताते हैं, रोकते हैं, टोकते हैं, कभी समझाते हैं, डांटते हैं, ये परतंत्रता नहीं है, इसमें हमारी स्वतंत्रता है, इसमें हमारी रक्षा है। किसी के कहीं के जो नियम हैं, मर्यादा है, उसका पालन करना परतंत्रता नहीं है, उसमें हमारी रक्षा सुरक्षा है। एक उदाहरण से बात बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगी। आप लोगों ने पतंग उड़ते देखा होगा, पतंग उड़ती है आकाश में, बहुत ऊंचाई तक जा रही है पतंग, गई उड़ रही है, लेकिन जिस डोर से पतंग बंधी हुई है वह डोर किसी दूसरे आदमी के हाथ में है, आदमी ही उस पतंग की जो डोर है, रस्सी है, उसको खींचता है, छोड़ता है, खींचता है, छोड़ता है, तो पतंग उड़ती रहती है। अब पतंग ये सोचे कि मैं उड़ तो रही हूं आकाश में, किंतु हूं तो परतंत्र, फिर फायदा क्या है इतनी ऊंचाई में परतंत्र, इतनी ऊंचाई में उड़ने के बाद भी परतंत्र हूं तो क्या फायदा हुआ? मुझे तो स्वतंत्र होना चाहिए, और स्वतंत्र हो जाऊंगी तो खूब ऊपर आकाश में जाऊंगी, मान लो ऐसा पतंग सोचे, और संयोग से डोर कट जाए या व्यक्ति के हाथ से छूट जाए, स्वतंत्र हो गई पतंग, पर नाम क्या होगा? जल्दी से कहीं खाई खंदक में गिरेगा, किसी झाड़ी में गिरेगी और बर्बाद हो जाएगी। जैसे ही पतंग स्वतंत्र होगी, बर्बादी शुरू, विनाश शुरू। जब तक पतंग की डोर किसी व्यक्ति के हाथ में रहेगी, तब तक पतंग परतंत्र होकर भी उड़ती रहेगी आकाश में, और जैसे ही डोर कटेगी गिर करके नष्ट हो जाएगी। ऐसी ही है, जब तक
कुछ संत है, गुरु है, माता पिता है, अभिभावक है, नियम है, कानून है, मर्यादा है, उसके अधीन रहते हैं, हमारा विकास होता चला जाता है, ऊपर उड़ते चले जाते हैं। और जैसे ही नियम कानून मर्यादा का उल्लंघन किए, जैसे ही गुरुजनों की आज्ञा की अवहेलना किए, विनाश शुरू। ये जो मन की स्वतंत्रता चाहते हैं ना, ये स्वतंत्रता नहीं है, स्वतंत्रता आत्मा के हो, ज्ञान का तंत्र जब हमारे ऊपर हो, तो बाहर भी किसी न किसी का सहारा लेना पड़ता है, किसी न किसी का अधीन तो होना ही पड़ता है। किंतु मन का बंधा ना होना न चाहिए, मन ना बंधा रहे, मर्यादा का पालन करें, गुरुजनों का आज्ञा का पालन करें, सब कुछ करें, किंतु अपने अहंकार को छोड़ करके रहें। इले साहब ने कहा, जिन जीव की न आप विश्वासा नरक गए थे नरक ही बासा। जिन्होंने अपने मनमतीपन, अपनी उच्छृंखलता का पर विश्वास किया, जो कहता है कि मुझे किसी नियम, किसी कानून, किसी मर्यादा, किसी के अधीन नहीं रहना है, सदगुरु कहते हैं वो नरक में गए और उसका नरक में निवास हुआ। तो असली स्वतंत्रता क्या है? अपने पर अपना शासन, ज्ञान का, विवेक का, विचार का शासन, आत्मा का शासन, मन इंद्रियों की गुलामी नहीं, तभी स्वतंत्र होगा, असली स्वतंत्रता होगी। फिर स्वस्थ रहना, क्या भी स्वस्थ हैं? स्वस्थ का अर्थ हम समझते हैं शरीर में किसी प्रकार की कोई बीमारी ना होना, कोई दुख, कोई दर्द, कोई परेशानी ना होना, ये स्वस्थ होना है। उसके लिए कितने कितने क्या क्या करते हैं, अच्छी बात है, जरूरी है शरीर का स्वस्थ रहना, लेकिन वास्तविक स्वस्थता क्या है? स्व खुद अस्थ स्थित अपने में स्थित हो जाना। अपने अभी तो मन तो शरीर के मुंह में पड़ा हुआ है, कहाँ अपने में स्थित कहाँ है, हम तो दूसरे में स्थित हैं। मन का बाहर से लौटकर पूरी तरह अंतर्मुख, आत्मलीन, आत्मस्थित हो जाना, ये आत्मस्थ हो जाना ही स्वस्थ होना है। ये ध्यान उसी के लिए है। कहां कहां डूबा है मन आपके भलाया? घर की याद आए, घरस्थ हो गए। मिठाई की याद आ गई, मिठास्थ हो गए। जिसकी जिसकी याद आ गई, मन वह उसमें स्थित होता चला गया। अपने में कितना स्थित रहते हैं? यदि अपने में स्थित हैं तो पीड़ित क्यों है फिर? मन का बाहर भटकते रहना संसार में स्थित होना है। मन से जब राग, मोह, आसक्ति, कामना सब मिट जाए, तब वास्तविक रूप से स्वस्थ हो सकेंगे। समझने की आवश्यकता है, अभी हम स्वस्थ नहीं हैं, अभी तो बिल्कुल बीमार हैं। थोड़ी सी चीज घट गई, दुखी, थोड़ा अपमान हो गया, दुखी, थोड़ी प्रतिष्ठा नहीं मिली, दुखी, खाने पीने की चीजें थोड़ी सी कम मिल गई और दूसरे अपेक्षा थोड़ी सी कम मिली, दुखी, स्वस्थ कहाँ है? किस किस में हमारा मन डूब रहा है, ये सोचते हो?
कभी अभाव का अनुभूति न होना, मन का हर समय संतुष्ट रहना, शांत रहना, ये स्वस्थ होना है। जैसे शरीर में जब रोग होता है, जर सब कोई फोड़ा हुआ, हमेशा मन वहीं डूबा रहता है। कपड़ा कभी कपड़ा से भी ठोकर लग जाए तो बड़ी पीड़ा होती है। कोई भी हो, शरीर के किसी भी अंग में कोई दर्द हो, मन हमेशा वहीं गया रहता है। बाकी शरीर पूरा स्वस्थ है, पैर में दर्द है लेकिन हमेशा मन उसी पैर के दर्द में जाएगा। बाकी शरीर स्वस्थ है, वहां पर उसका ख्याल नहीं करेगा मन। ऐसे ही शरीर का बीमार होना पता चलता है और मन बीमार है तब पता चल पाना है। अब जिसका मन ही बीमार है वो स्वस्थ जीवन कैसे जी सकता है? मन में भयंकर आसक्ति है, कामना है, तृष्णा है, वासना है, कहाँ स्वस्थ है आप? जब इस सब का त्याग हो जाए, लोगों से प्रेम का व्यवहार करो, जो काम जैसा करना वैसा काम करो, जिम्मेदारी का निर्वाह करो, लेकिन लोभ मोह आसक्ति कामना वासना छोड़ करके रहो। अंतर्मुख मन, आत्मचिंतन में डूबा हुआ मन, शरीर की भी मौत का कोई भय ना हो, निर्भय मन, अस्वस्थ मन, निर्भय मन, ये स्वस्थ होना है। सारी पीड़ा समाप्त हो जानी। इसलिए स्वस्थ, स्वतंत्र और स्वस्थ, इन तीनों को समझना है और समझ करके स्वस्थ होने के लिए काम करना है। आज स्वतंत्रता दिवस है, अभी झंडारोहण होना है, सभी को वहां चलना होगा। एक बात पर ध्यान देंगे, जब राष्ट्रगान होता हो तो जिस सावधानी से खड़ा होना चाहिए, बिल्कुल निश्चल, उसी सावधानी के साथ खड़े हो। राष्ट्रगान भी हो रहा है, लोग इधर बात भी कर रहे हैं, मोबाइल से फोटो भी खींच रहे हैं, इधर उधर घूम घाम करके। ये राष्ट्रीय ध्वज का, राष्ट्रगान का अपमान करना है। कम से कम अपने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान न करें, सम्मान करने की आवश्यकता है। जैसे ही राष्ट्रगान बजे, बिल्कुल सावधान, जहां के तहां निश्चल, निश्चल खड़ा, एकदम स्थिर होकर के खड़े हो जाए। वहां तैयारी हो चुकी है, अभी चलना है। इसमें अपने मानी के ही विराम देता हूं। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम मनुपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम मनुपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम मनुपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम मनुपम